थैंक्स यार, मैं आप लोगों के लिए 3 दिन में वापस आऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मजा आएगा। हेलो, हाय, ब्लैक रैबिट लॉज में आपका स्वागत है। एक बहादुर आदमी 3 महिलाओं के साथ यहां आ रहा है, मैं कभी एक को भी नहीं संभाल पाया। तो आपके सारे काम यही करता है? हाँ, ये करता है। मार्टिन नाकोस, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हो? यहाँ वाईफाई है? माफ करना, यहाँ वाईफाई नहीं है, वो हमने खो दिया जब यहाँ बर्फ का तूफान आया था। मगर यहाँ सैटेलाइट फोन है। ठंड लग रही है? यहाँ वास्तव में बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है मार्टिन, चलो अंदर चलते हैं। अंदर गर्मी है, चलिए सीधे पहाड़ी पर। क्या चलो उस तरफ? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं। वाओ, ये बहुत अजीब लग रहा है। है ना? ये किसी फिल्म के सेट जैसा है ना? हाँ। क्या शानदार जगह है। शुक्रिया आपकी तारीफ के लिए, ये हमारा घर है। तो फोटोग्राफी आपका काम है? माफ करना, यहाँ पर ज्यादातर उजाला नहीं रहता। वैसे पंचांग कहता है दिन में 4 घंटे। हाँ, अगर आप भाग्यशाली हैं तो 10 बजे सूर्योदय होता है और 2 बजे सूर्यास्त हो जाता है, और इसके बीच में ज्यादातर शाम ही होती है। इसे हम जादू का घंटा कहते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 4 जादुई घंटे मिलेंगे। अच्छा है, अंधेरा और ठंडा। प्रविष्ट 1226 बीटा की कोशिकाएं तेजी से बढ़ रही है, वो पिछले सप्ताह की तुलना में 600% बढ़ी है। हे भगवान, डॉक्टर केलर अंदर आओ। डॉक्टर केलर NP2 से दूर रही है। डॉक्टर केलर आप वहां हो, अंदर आइए। आखिरकार ये गलत क्यों बता रहा है? फिर से कोशिश करो। वो भी इस अंधेरे में। रोमांटिक लग रहा है। क्या आपको मेरा लाइट मीटर मिला?
डिलाना, डिलाना। अब इसको क्या चाहिए? डिलाना। मैं यही हूं ब्रुकिंग। क्या आप मेरा लाइट मीटर पैक करना भूल गए? नहीं, वो आपके बैग में ही है। ओह, ये रहा। खाना तैयार है। हे डिलाना, चलो, मैं भूखा हूं। हाँ, अच्छा करियो डिलाना। लगभग 2 महीने पहले नेट ने उस मछली को पकड़ा था। हाँ, ऐसा ही कुछ था। कुछ चाहिए आपको? लेली, तुमने शानदार खाना बनाया है। हम इस लॉज को आमतौर पर सितंबर तक बंद रखते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी ठंड होने के बाद भी कोई यहाँ घूमने आया है, विशेष रूप से आप जैसी सुंदर महिला। अच्छा सुनो, आप मेरा एक काम करेंगे? मैं चाहता हूँ कि ये लड़कियाँ फर में लिपटी हो। तुम जानते हो, जैसे वो जंगल में गए थे, उन्होंने जानवरों के खाल उतारी और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया। क्या अजीब बात है। यदि आप एस्किमो में भी फेंक सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल से आपका मतलब है अथबास्कन। देशी लोगों को अपना आदिवासी नाम पसंद होता है। हाँ जरूर, जो भी हो, मतलब आप जानते हैं मेरा मतलब क्या है। जैसे एक अनुभवी चेहरा मछली के जैसा, आप समझ रहे हो ना? हाँ मैं समझ रहा हूं मिस्टर ब्रुकिंग। ओके, तो उस भालू को किसने मारा? क्या वो भालू? मैंने उसे 20 साल पहले मारा था। क्या आप डर गए थे? नहीं नहीं, उसे गोली लगी थी। जब हमने ऊपर जाकर देखा तो वो पड़ा हुआ मिला। भालू लॉज के ठीक ऊपर आते हैं? हाँ वो आते हैं, भूख लगती है तो खाने के लिए। चिंता की कोई बात नहीं है, भालू सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो भालू करते हैं, आदमखोर नहीं। आदमखोर? आदमखोर भालू एक विशालकाय जानवर होता है जिसे मानव का रक्त पसंद है। मैं जब भी जंगल में जाता हूं मुझे डर लगता है। मार्टिन, अब बस भी करो। लोगों का कहना है कि आदमखोर किसी अन्य भालू से पैदा नहीं हुआ, बल्कि तामसिक भावना से पैदा हुआ। वो अनगिनत अलास्का जानवरों और इंसानों के पीछे पड़ा रहता है। किसी आम भालू के मुकाबले वो 20 फीट ऊंचे होते हैं और बहुत खतरनाक भी होते हैं वो भालू। ठीक है, मुझे बताएं जब वो दिखे तो उसके साथ में लड़कियों की तस्वीर खींच लूंगा। हम गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी बनाएंगे। आदमखोर को नहीं मारा जा सकता, उसकी नसों में उसका खून दौड़ता ही रहता है। एक बाजीगर तब तक नहीं रुकता जब तक वो किसी आदमी से बदला लेने के लिए उसके रक्त के बहाव को रोक ना दे। आदमखोर प्रकृति से लड़ने का तरीका है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, है ना? हाँ सही है। मैं जरा जनरेटर देख कर आता हूं, माफ करना। Thank you.
क्या आपको लगता है कि भालू की कहानी में कोई सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भालू से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब झूठ है। सच में? अभी तो आपने सुना था, यहाँ महिलाओं को अपनी तरह सुंदर मत बनाओ। लेकिन वो तो बहुत अच्छे और प्यारे हैं। वो सभी सर्दियों में ही मिलते हैं। शरारत मत करो, अभी वो किसी को पागल करने वाला है। क्या तुम मुझे बचाने वाले हो? मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला, और तुम बच भी नहीं पाओगी। तुम जानती हो मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं एक गुफा खोजने जा रहा हूँ, और मैं हाइबरनेट करने वाला हूँ, और वो नोचेगा, खरोचेगा, और बुरे कुत्ते की तरह क्या क्या करेगा। ब्रुकिंग चाहता है कि हम सूर्योदय से शुरुआत करें। सुबह 10 बजे? हाँ, तुमने सही सुना। उस नेट के साथ क्या हो रहा है? बेकार है। वो मुझे बाहर घुमा सकता है। हाँ तो मैं क्या करूं, तुम देखो। छोड़ो, जाने दो। मुझे क्या? कौन है? पता नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कोई नहीं था तो शुरू करें? ठीक है। पता नहीं वहां क्या था, यहां सब अजीब है। छोड़ो भी। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो? सोचो कि भेड़िया कैसा महसूस करता है। तुम वो सब छोड़ो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही खड़ी रहो, ओके? अब यहां देखो, बस इतना ही। थोड़ा और घूमो, बहुत अच्छे, ये ठीक है। मैं तुमसे लाइट पकड़ने को बोल रहा हूं, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। मैं हूं लेकिन वो हिल रहे हैं। दोबारा मुझसे ऐसे बात की ना तो भालू के हवाले कर दूंगा। तुम इसे ठीक से पकड़े रहो। हाँ हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। अरे शौकीन। मार्टिन, मैं आपके जिन के लिए कुछ ईंधन लाया हूं। धन्यवाद। आप भी उसके साथ खेल रहे हैं? ये अभी तक काम कर रहा है? हाँ, मेरे साथ ही काम करता है। शैली मुझे बता रहे थे कि पोते क्या कर रहे हैं, और पूफ, ये तो बिल्कुल मुझ पर ही गया है। हम इस बार एक नया उपग्रह बनाने वाले हैं। एक नया? ये उपग्रह बेहतर हो सकता है। नहीं, मैं रफू की बातों पर भरोसा नहीं करता। या तो फिर आपको केवल एक सिग्नल पाने के लिए रीज के ऊपर जाना होगा। आप जानते हैं, जब ये दुनिया बकवास हो जाती है तब भी लोग अपना दिन बचाने के लिए काम करते हैं। हाँ, शायद तुम ठीक हो। यहाँ एक बर्फीला तूफान आने वाला है। हाँ, मैंने भी समाचार में सुना। उम्मीद है ये जल्दी गुजर जाएगा। मैं भी उन लोगों को यहाँ ज्यादा नहीं चाहता। हाँ ठीक कह रहे हो। देखते हैं हमें क्या मिला। ब्रेकर ब्रेकर, आपको एक भैंस मिली है जो शैली की तलाश में है। वापस आ जाओ। चलो मिलते हैं। हाँ चलो मिलते हैं। ब्रेकर ब्रेकर, आपको शैली की तलाश में भैंस मिल गई हो तो वापस आ जाओ। क्या यार, Ah
नेट इधर आओ यार, हमें शूट करना है। मुझे लगा कि आप कोई और शॉट चाहते हैं। बाद में, पहले ये, पहले हम ये करते हैं। जल्दी करो, ठंड लग रही है। हाँ कर रहा हूँ। तुम जितना सोचते उससे ज्यादा कठिन है मॉडलिंग। जाइए, हो गया है। सुनो येला, और गहरा, थोड़ा और गहरा। सच में ब्रुकिंग, मुझे लगता है ये काफी गहरा है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे टॉयलेट जाना है। हाँ पहले ये पहन लो। नहीं मुझे सच में जाना है, कहाँ जाऊँ? अगर आप चाहें तो वहां जा सकते हैं, बिल्कुल पेड़ों के बीच। ठीक तो हो? मुझे वापस जाना है। ये अभी भी गर्म है। हम यहां से निकलना चाहिए, जल्दी। अब मैं यहां पर रख देता हूं गाजर को और आलू को। खुशबू अच्छी आ रही है। ओ मार्टिन, तुम इसे चक्कर देख सकते हो, मुझे लगता है मैं कुछ भूल रही हूं। बहुत बढ़िया। पक्का ये अच्छा है, क्योंकि तुम उन लोगों को जानते हो, वो थोड़े नखरे वाले हैं। मेरी बात सुनो, अगर वो लोग इसे पसंद नहीं करते तो मैं उन्हें बर्फ में फेंक दूंगा और फिर हम मजे से देखेंगे ये। हे यहां देखो। नेट सुनो यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें इस तरफ बुला रहा हूं और तुम उस तरफ देख रहे हो। चलो यार हमें जाना है। पता नहीं इसका ध्यान कहां है। चलो भी अब। हम चाहते हैं कि जल्दी से काम खत्म हो जाए, तभी तो हम खाना खा पाएंगे। क्या हुआ था? बहुत भूख लगी है। कुछ नहीं, मैंने मरा हुआ जानवर देखा और मैं डर गई। ये बहुत बेकार है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे 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 अरे, रुको रुको, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? हम अभी भी शूटिंग कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है। हर कोई ठंड से यहाँ मर रहा है ब्रुकिंग। चलो कहीं और शूटिंग करते हैं, ये बचकाना आइडिया है। क्या आप डर गए थे? नहीं यार, हम काम करने आए हैं यहाँ, हम छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं यहाँ। तो तुम चुप रहो, मुंह बंद रखो और आंखें खुली रखो, अभी हम शुरू करने वाले हैं। ओके, जल्दी खत्म करेंगे। हे नेट,
वो देखो बर्फ की मछलियां पकड़ने जाते हैं, चलो जल्दी चलें उस पोल के वहां। डार्लिंग तुम भी चल रही हो, कैमरा यहां दो, चलो यहां से। हाँ ऐसा ही, अरे यहां देखो। नेट यहां आओ, क्या खूबसूरत नजारा है। ये है खूबसूरती। ए बदसूरत हटो यहां से। नेट क्या बात है, अच्छी लग रही हो। ठीक है, सही में तुम अच्छी लग रही हो, ऐसे ही करो। हाँ ऐसे ही, कमर भटकाओ। सब वहीं रहो। हे भगवान अब क्या हुआ। एला भागो। वो वापस आ गए हैं। यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो एला को बर्फ के नीचे ले गया। क्या, कौन ले गया? मैं नहीं जानती। जरा शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ। नेट कहाँ है? वो बाहर है, एला मर चुकी है। हाँ वो सही कह रही है। यहाँ सब कुछ ठीक है ना? आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं मैं जाऊंगा, वो आदमखोर आपको मार डालेगा। हमें एक प्लेन की जरूरत है। मैं वापस आकर इसके बारे में बात करूंगा, आप लोग अभी अंदर ही रहिए। तो आप हमें अकेले छोड़ के जाने वाले हैं? तुम बहुत बहादुर हो। गुड, बिल्कुल मत डरो और लड़कियों के साथ अंदर रहो।
Come on up. नेट, नेट नहीं, अरे बाप रे, चाय लोगे? क्या आप जानते हैं कि यहां एक बड़ा डोनर हॉल है? जब हम यहां से जाएंगे तो आपकी कंपनी एक बड़े मुकाम पर होगी। वहां एक बहुत बड़ा भालू था और हम एला को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे यकीन है नेट ने सब कुछ किया जो कर सकता था। अब सोच के कोई मतलब नहीं। शायद कोई आया है। मुझे कंबल और गर्म पानी की बोतलें चाहिए। ये कौन है? क्या आप ठीक हो? हाँ। ठीक है, पकड़ कर रखना। ये कौन है? मुझे नहीं पता, मुझे ये बर्फ में घायल अवस्था में मिली। नेट कहाँ है? इसके जूते उतारो। नेट कहाँ है? लिली, मेरी बात सुनो। नेट मर चुका है, मुझे माफ करना। मार्टिन। हाँ। वहां पर क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं। आप सुरक्षित जगह पर हैं। क्या आपका नाम हैना है? डॉक्टर हैना लिंडवाल। हैना, हम अभी आपको ठीक कर देंगे, बस आप थोड़ा धीरज रखिए। अब आप ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। शुक्रिया स्वीट हार्ट। गर्म सूप लेकर आओ और गर्म पानी। शुक्रिया लिली। आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझे माफ कर देना। Thank you.
क्या जगह यार, ऐसे जगह कौन रहता है। मुझे एला के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने पहले किसी को मरते हुए नहीं देखा। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। क्या लगता है क्या था? मुझे नहीं पता। क्या तुम जानती हो कि ऐसी जगह पे हमें कोई नहीं बचा सकता? मुझे घर जाना है। मैं समझ सकता हूं, सब ठीक हो जाएगा। क्विंसी, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? हमें यहां से निकलने के लिए प्लेन की व्यवस्था करनी होगी। नहीं नहीं, प्लीज मत जाओ। क्विंसी, वहां उस बर्फ के नीचे जो भी था वो यहां नहीं आने वाला। मैं यही हूं। मार्टिन! हे भगवान, मुझे लगता है वो बाहर है। किसी ने इसको मार डाला। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को भी मारा, नेट को भी। क्या क्या सच कह रहा है? नेट मर गया? हां, यह सच है। अब क्या करेंगे? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता क्या करना है। चलो देखते हैं। इसमें क्या देखना है यार, और लोग मरेंगे। हमें प्लेन बुलाना ही पड़ेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मुझे अब सरदर्द की गोली चाहिए। चलो मैं रेडियो पर अनाउंस करता हूं। ठीक है बब, सावधान रहना। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो आ रही है। क्या वो बात कर रही है? वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। चलो। शैली, मैं बफ बोल रहा हूं, यहां पर एक इमरजेंसी है, जल्दी आओ। शैली, मैं बफ बोल रहा हूं, यहां एक इमरजेंसी है, जल्दी आओ। शैली,
सब कुछ अचानक हो गया और वो चली गई। काश मैं कुछ कर पाती। तुम कहो तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? नहीं, ये ठीक है। माफ करना। ये रहा, मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा है। शुक्रिया। ब्रुकिंग। हे। काश एला की जगह मैं होती। इसे ज्यादा मत लिया करो। तुम्हें ऐसा लगता है भालू ने नेट के साथ ऐसा किया? मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। यकीन नहीं हो रहा कि वो चला गया। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। हे, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। मेरे मन में बहुत सवाल हैं जिनका उत्तर मुझे चाहिए। कल सुबह सुबह मैं एक सैटेलाइट फोन के साथ रिज पर जा रहा हूं, एक कॉल करूंगा। एक विमान आएगा और आप लोग बाहर चले जाएंगे। क्या होगा अगर वो तुम्हें मिल जाए? मैं शस्त्रागार पैक कर रहा हूं। अगर वो मेरे लिए आता है तो आप उसे मेरी दीवार पर चढ़े हुए देखेंगे। मुझे लगा भालू सर्दियों में हाइबरनेट कर रहे होंगे। भालू हाइबरनेट नहीं करते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो कहां से आया होगा? क्लोबिर्च इंडस्ट्रीज। वो क्या है? एक कंपनी जो भालुओं पर रिसर्च करती है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़, पशुओं को नियंत्रित करना। आदिवासी उन्हें यहां नहीं चाहते, लेकिन सरकार यह करवाती है। जी, आप सही है। मैं काम करती हूँ क्लोबर्च के लिए। मुझे कुछ अपने साथियों के साथ भेजा गया था भालुओं के रिसर्च के लिए। क्या यही रिसर्च आप उत्तर में जाकर नहीं कर सकते? उत्तर के मुकाबले दक्षिण में भालू ज्यादा है। हाँ, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि बर्फ की चट्टाने पिघल रही है और भालू दक्षिण की तरफ आने लगे हैं। तो आगे बढ़ो। हम यहाँ से कुछ दूरी पर थे और हमें एक आदमखोर भालू मिला और वो काफी भूखा था और उसने हम पर हमला किया। मैंने दौड़ना शुरू किया और मेरे दोस्त इतने भाग्यशाली नहीं थे, वो नहीं भाग पाए। साथ ही तो मैंने खो दिए, मगर मुझे न्यू फैमिली मिली। मैं इस लॉज का मालिक हूँ और मैंने 25 वर्षों से इन लकड़ियों की खोज की है और उस समय तक मैंने कभी भी एक भी ध्रुवीय भालू को नहीं देखा, एक भी नहीं। ठीक है, आप निश्चित रूप से जा रहे हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन को लेकर। सो जाती हूं जब तक प्लेन ना आ जाए। हाँ, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें लगता है बफ ने रेडियो पे बात की होगी? ओह, वो पूरा दिन नशा करते रहता है। मैं यहां उस महिला के साथ भैंस के बारे में सब भूल गया।
मैं उसको देख कर आता हूँ। तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ हुआ है? बोलो ना। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लिली मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर ध्यान रखना। धन्यवाद, और खासकर उस महिला का, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। है ना? हाँ है ना, वो झूठी लगती है। अपना ध्यान रखना। मुझे माफ कर दो, मैं पानी पीने के लिए आई थी। ओ अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही उछल कूद कर रही थी। हाँ समझ में आता है, काफी दिन हो गए। तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। बढ़िया। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। ऐसी बात है? हाँ शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि मार्टिन कहाँ है, मैंने काफी देर से देखा नहीं। एक्चुअली मुझे उसे थैंक यू कहना था क्योंकि उसने बचाया। कोई बात नहीं, वो शायद यहीं कहीं होगा। Come on. वो जानवर हमारा पीछा कर रहा है। क्या बफ मर चुका है? हाँ हाँ। पहले नेट और फिर बफ।
अगले शिकार हम होंगे। नहीं 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 लिली, हम अगले नहीं हैं। कल हम सब अंदर रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तुम सबको यहां पर रोक कर रखना, मैं उस भालू को यहां से दूर ले जाऊंगा, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ हाँ, तुम हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। लिली चुप हो जाओ स्वीट हार्ट, तुम काफी स्ट्रांग हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं चाहता हूं तुम जाकर थोड़ा आराम करो, मैं जाता हूं उन सबका ध्यान रखने के लिए, तुम जाओ आराम करो, ठीक है? ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो।
मुझे समझ नहीं आता है यहाँ अकेले रह के क्या फायदा है। तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। वरीश कितनी दूर है? केवल कुछ मील की दूरी पर। अच्छा, तो वो वहां फोन करने के लिए खड़ा है ना? हाँ। तो आपकी टीम यहां से कैसे निकलेगी? हवाई जहाज से? हाँ। तो तुम सब लोग कहाँ रुके थे? मुझे लगता था इस एरिया में सिर्फ यही एक लॉज है और 100 मील की दूरी तक कुछ भी नहीं है। वहाँ एक रिसर्च कैंप है जंगली जानवरों को बचाने के लिए। ओ, ऐसा है। है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल में मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और तुम ही यहाँ के एक जिम्मेदार इंसान हो और सारे लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं। अच्छा, वैसे भी हम काफी खतरे में हैं। मेरी टीम इस पर रिसर्च कर रही है और वो लोग हम पर हमला कर रहे हैं और वो ध्रुवीय भालू से कई ज्यादा ताकतवर है और आपको मेरी बातें सुननी होगी। सुनिए मार्टिन ने, अगर आपको घसीटा नहीं होता तो वहां बर्फ में आप जमे होते सर्दियों तक। क्या अब भी तुम्हें यही कहना है? मैं मदद कर रही हूं। शुक्रिया और नहीं भी। अब मुझे पता है कि क्या करना है। जरूर। उसने उसको खा लिया। ऐसा मत कहो। क्या लगता है तुम्हें?
कि वो अभी भी खड़ा है हाथ में बंदूक ताने, वो हमें कॉल भी करेगा। उसे शिकार का बहुत एक्सपीरियंस है और वो अपने साथ जरूरत की सारी चीजें रखता है। ये कोई आम ध्रुवीय भालू नहीं है। चलो चलो अब जल्दी शुरू हो जाओ। सब कुछ क्लियर है, जो बाहर जाता है वो वापस नहीं आता। हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। हम यहीं पे सुरक्षित हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है जनरेटर की गैस खत्म हो रही है। मैं अपना कोट लेती हूँ। ये कैसा टेस्ट है? Hey, अब ये ज्यादा हो रहा है यार। अपने आप को समझते क्या हो? हवा! अपनी आवाज कम रखो।
तुम चुप रहो। वो जनरेटर कितनी दूर है? चलो चलते हैं। जाओ मिलिट्री बुलाओ। इंसानों की तरह पेश आओ ब्रुकिन, प्लीज। दिल है ना, पता नहीं कि हम सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तुम जानती हो मैं आखिरी मर्द हूं जो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं। तो गैस इस तरह से खत्म हो गई। बस इसे नीचे रखो। वो क्या था? वहां कोई भी हो सकता है। वो यहीं पर है, यहीं पर है। वो अभी भी वहीं पर है। मैं इस भालू को पकड़कर पिंजरे में बंद करने वाला हूं। संभल के, संभल के। पक्का वो वहीं पर है। हमने देखा उसे, हमने देखा। जरूरत है, उन्हें कुछ नहीं होगा। सुनो, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। है ना, कहाँ है? मैं नहीं जानती। ये किसी को नहीं छोड़ेगा।
चलो मेरे साथ, हम यहां से निकलते हैं। जूते पहन लो, हमें यहां से निकलना है। कहां? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। उसे मार रहा है। निकलो वहां से, जल्दी करो। हमें यहां से रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से जाओ अंदर बैठो। ये चल क्यों नहीं रही है? Come on, स्टार्ट करो जल्दी। स्टार्ट हो जाओ। अरे बाप रे, चालू हो जा। ये हो क्यों नहीं रही है? ओ, तुमने कर दिया। शुक्र है चालू हो गई। चलो बच गया। क्या हुआ? लगता है फंस गया। बंद करो इसे, नहीं तो वो हमें सुन लेंगे। ये डक गया, ये निकल क्यों नहीं रहा? कैसे भी बंद करो। मुझे लग रहा है मैं उसे देख रही हूं। हां मैं देख रहा हूं। ओह माय गॉड, हिलना मत, बिल्कुल हिलना मत। मुझे वो दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है वो लोग चले गए। ठीक है, तुम देखना, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ब्रुकिंग प्लीज यही रहो। हम वापस गैराज जाने वाले हैं, संभल के बैठो, हिलना मत। चलो चले। शिट यार, ये क्या हो गया? ये नहीं हिलने वाली। अब हम क्या करेंगे? बस हिलना मत। क्या तुम्हें वो दिख रहा है? मुझे पता है ये हमारे लिए आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। है ना प्लीज अब रिसर्च रोक दो। ये प्रकृति के खिलाफ है। मैं जानती हूँ। परिवर्तन की ताकतों ने हमारे ग्रहों के विविध परिस्थिति तंत्रों को लंबे समय से प्रभावित किया है। हाल ही में हुए घटना के बावजूद क्लोबर्च इंडस्ट्रीज हमारी बदलती दुनिया में वन्य जीवों को अनुकूलित करने के लिए काफी प्रगति कर रही है। जीवन को जारी रखना हम अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि क्लोबर्च ग्रुप एक सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना जारी रखेगा। हमारी कंपनी पर्यावरण अनुसंधान में मानक निर्धारित करती है और ऐसा करने में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, हम इन प्रमुख समस्याओं का समाधान करेंगे। मुझे क्लोबर्च टीम में लीडर होने पर गर्व है और हम उन सभी जानवरों को सफलतापूर्वक अनुकूलित करने जिन हमारी सहायता की आवश्यकता है। हम अपने वन्य जीवन के बिना क्या है।